Hi, this is Ritu Pathak and you're watching me on BollywoodNazar.com. इंडियन आइडल 2 की सेमीफाइनल कंटेस्टेंट ने जब बॉलीवुड में एंट्री की तो अपने गानों से सभी लोगों का दिल जीत लिया। हाल ही में आपने इन्हें गंदी बातें करते हुए भी सुना है, तो आइए आज हम भी इनसे कुछ गंदी बातें कर ले बॉलीवुड की धमाकेदार सिंगर रितु पाठक से। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने करियर की शुरुआत किसे की इंडियन आइडल में आने से पहले। हाउ डिड यू स्टार्टेड योर करियर लाइफ? मैंने स्टार्टिंग की सिंगिंग से, ऑब्वियसली मेरे पापा को बहुत शौक था गाने का, तो घर में म्यूज़िक का काफ़ी एटमॉस्फेयर था और मेरी बड़ी बहन सिंगिंग बहुत पसंद करती थी, भाई भी गाते थे, तो घर में एक म्यूज़िक का काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर था। तो मेरे पापा की एक छोटी सी एक ऑर्केस्ट्रा बैंड थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, बहुत ही छोटे से स्मॉल टाउन से मैं बिलोंग करती हूँ, सिवनी गोपालगंज से। सो वहाँ पे बस ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते थे मेरे डैडी और बुआ जी भी, काफ़ी गाने का शौक था उन्हें, तो बस घर में ऐसे ही माहौल था। तो मैंने भी एक, जब मैं 4 साल की थी, तो मैंने कॉलेज गैदरिंग में एक गाने से अपने करियर की शुरुआत की और वो सॉन्ग था जीना है तो हंस के दियो जियो। सो बस जब मैंने 4 साल की एज में एक कॉलेज गैदरिंग में परफॉर्म किया, सो सबको लगा कि ये 4 साल की एज में इतना अच्छा गाती है, तो पता नहीं बड़े होके ये क्या धमाका मचाएगी। तो बस वैसे ही स्टार्ट हो गया और फिर धीरे धीरे मैंने कंपटीशन में पार्ट लेना शुरू किया एंड फिर जो गणपति दुर्गा उत्सव के जो छोटे छोटे शोज़ होते हैं, तो आई यूज़ टू डू दैट ऑल फंक्शंस एंड प्रोग्राम। जैसे कि हम जानते हैं इंडियन आइडल तक आप सेमीफाइनल तक पहुँची थी, तो आपका सफ़र कैसा रहा इंडियन आइडल में? इंडियन आइडल मुझे एक प्लेटफॉर्म, मतलब जो होता है ना, एक सिंगर को एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, तो इंडियन आइडल के थ्रू मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ और मैंने लखनऊ से ऑडिशन किया था। सोनू जी, फराह जी, अनु जी जजेस थे, मेंटर थे उस शो के। सो आई गॉट सिलेक्टेड इन फाइनल राउंड और उसके बाद मैं पियानो राउंड में एलिमिनेट हो गई। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, काफ़ी कॉन्टैक्ट्स बने और मुझे एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, मतलब तो मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। सो बहुत बहुत ही अच्छी जर्नी रही और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इंडियन आइडल में आप सोनू निगम से काफ़ी एडमायर हुई थी, नो, तो क्या इंस्पिरेशन मिली आपको सोनू निगम से? मैं बचपन से सोनू जी के गाने सुनते आ रही हूँ और उनकी सिंगिंग की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और सब हैं वो बहुत बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं। तो जब मैं सोनू जी को मैंने अपना गाना सुनाया फाइनल ऑडिशन में, जब मैं लखनऊ से मैंने ऑडिशन किया था, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरे जो आइडल हैं मैं उनके सामने गा रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। एंड वो मुझे काफ़ी छेड़छाड़ करते थे, मुझे काफ़ी डर लगता था, मतलब जब मैं उनके सामने परफॉर्म करती थी मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लगता था, बट वो हमेशा मुझे टीज़ करते रहते थे और बहुत डराते थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और सोनू जी मुझे काफ़ी लाइक करते थे, मेरी सिंगिंग को हमेशा वो एडमायर करते हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी। और उनके साथ मैंने एक डुएट सॉन्ग गाया था, कौन सी मूवी थी वो, KLPD, डिश के आऊँ नज़रों से गोलियां चलाई गई, मल्लिका शरावत पे वो पिक्चराइज हुआ था। तो दैट वाज अ मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी कि मैंने सोनू जी के साथ डुएट गाया, तो मेरा सपना था। सोनू निगम का कोई फेवरेट गाना अब गाना चाहिए? उनके बहुत सारे गाने फेवरेट हैं, बट माई फेवरेट लाइक जिसको मैं बहुत बहुत ज़्यादा सुनती हूँ और ऑल टाइम गुनगुनाती हूँ, वो है अग्निपथ जो मूवी आई थी, सबका फेवरेट सॉन्ग है वो, अभी मुझ में कहीं। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं माना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाऊँ या जी लो जरा, खुशियाँ चूम लूँ या रो लूँ जरा, मर जाऊँ या जी लूँ जरा। जैसा कि हम जानते हैं आपने बहुत सारी मूवीज़ में गाने गाए और हाउसफुल से आपने शुरुआत की थी गाने की, तो आपको ये मौका कैसे मिला? ये मौका मुझे गॉड ने दिया और वो एक टाइमिंग थी जब मैंने शंकर जी को, मैं हमेशा कॉल करती रहती थी, सर कुछ हो तो बताइए, कुछ रिकॉर्डिंग हो तो बताइए, तो वो गाना बना रहे थे और मैंने एट द सेम टाइम उन्हें कॉल किया, तो उन्होंने सेकंड बेल पे ही कॉल उठाया और कहा रितु व्हाट आर यू डूइंग टुमारो।
So just come to studio around 2 o'clock. So I'll make you sing something. And it's a scratch, and if director likes your voice, then we'll keep your voice for final. So मैं next day recording के लिए गई और वो song था volume कम कर पापा जग जाएगा. मैंने गाया और वो song कुछ eight months के बाद TV पे जब telecast हुआ तो मुझे पता चला कि that my voice is final there. और मैंने अपनी voice सुनी तो बस ऐसे हो गया और that was a luck. आपकी family का reaction क्या था जब मुझे पता चला? फैमिली का रिएक्शन जैसा होना चाहिए था, मतलब एवरी डे मेरे पापा मुझे कॉल करके पूछते रहते थे कि क्या हुआ, कुछ गाना मिला, तुम इतने सालों से वहाँ स्ट्रगल कर रही हो, तो हमेशा पूछते थे. तो जब उन्होंने ये, मैंने कहा अभी आप टीवी खोलो और हाउसफुल के ट्रेलर्स चल रहे हैं तो आप सुन सकते हैं मेरी वॉइस आपको, तो उनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गए थे सब लोग, बहुत ज़्यादा, और बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश.